हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9 में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक बताया था आपको याद होगा, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में तो मैंने बता दिया था, हार्मफुल गैसेस के नेम भी बता दिए थे जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन एंड देन अदर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये हम लोग का आज का टॉपिक होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है वो क्लियरली समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो है हम लोग का टॉपिक इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ये हम लोग का टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया, आप देख सकते हो। तो क्या इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का ह्यूमन बीइंग पर, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला आपका इफेक्ट जो दिया गया है वो दिया गया एसपीएम का। एसपीएम मैंने आपको बताया है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मैंने आपको बताया था ना सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और उसमें आपके क्या थे, आपका था स्मोक एंड सूट, मैंने आपको बताया था ना, एज ए पाउडरी ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस। तो इसके साथ साथ और भी जैसे पॉलन, ये भी सस्पेंडेड पार्टिकल जो है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं जस्ट स्मॉल स्मॉल पार्टिकल स्मॉल स्मॉल फॉर्म में, तो ये इनके अफेक्ट को हम लोग को जानना है। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में मेनली स्मोक एंड सूट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बताएंगे एसपीएम कॉज ब्रोंकाइटिस, एसपीएम कॉज ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड एलर्जी। तो आपका बता सकते हो एसपीएम जो होता है ये कॉज करते हैं आपका ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड एलर्जी, ये थ्री जो डिजीज और इफेक्ट होता है ह्यूमन पर इज कॉज बाय द एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इनके थ्रू होता है, ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें ये क्लियर हो गई होंगी। सेकेंड जो हो जाएगा वो होगा आपका पॉल्यूटेड गैसेस कॉज इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोएट एंड आल्सो इन लंग्स। जो पॉल्यूटेड गैसेस होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, इरिटेशन इन आईज थ्रोएट एंड आल्सो इन लंग्स, तो जिसे आपका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होने के साथ डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेज कॉज होने लगते हैं, ये बातें आप बताओगे। ओके, जैसे मैं आपका लंग्स कैंसर, ये जो डिजीज है दिस इज कॉज बाय द पॉल्यूटेड गैसेस, ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा
आपका ये भी बता सकते हो इट कॉजेज हार्ट इट कॉजेज हार्ट फेल्योर प्योर डीप टू लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन और यह कॉज कर सकता है हार्ट फेल्योर का ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा उसके कारण ये हार्ट पर भी अफेक्ट करेगा और इसके कारण आपको ये भी कॉज हो सकता है, दैट मीन्स हार्ट फेल्योर कॉज हो सकता है। ये बातें भी आप बताओगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अदर इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे। अदर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, अदर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, अदर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तो बताएंगे। एयर पॉल्यूशन कॉज द इफेक्ट ऑन प्लांट्स ग्रोथ, एयर पॉल्यूशन जो कॉज करता है इफेक्ट ऑन प्लांट्स ग्रोथ, पौधों के ग्रोथ पर भी अफेक्ट करता है एंड लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल और किसके अफेक्ट करता है तो क्लोरोफिल लॉस होने लगता है एयर पॉल्यूशन के कारण। ये भी बातें आप बताओगे, कन्फर्म हो रहा होगा। इसके बाद मॉटलिंग ऑफ लीव्स, मॉटलिंग ऑफ लीव्स मतलब जो लीव्स होते हैं श्रिंकेज होने लगते हैं, कर्ल होने लगते हैं, उसके लिए भी आपका एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। तो अदर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन में ही बताया गया है एयर पॉल्यूशन कॉज द इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मॉटलिंग ऑफ लीव्स, ये बातें आप बताओगे। ओके एंड इसके बाद सॉरी लाइकेन एंड लेकर आप लिखेंगे लाइकेन्स आर द प्लांट रिच इज सेंसिटिव which is sensitive of air pollution। इसमें ये भी बताया गया है जो लाइकेन्स प्लांट है, आप लोगों ने लाइकेन्स के बारे में सुना होगा, लाइकेन्स को जानते होंगे, ये एल्गी और फंगी दो जो प्लांट होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म होते हैं प्लांट लाइकेन्स। तो लाइकेन्स जो होते हैं आर दी
प्लांट विच इज सेंसिटिव ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन के क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये है कि जिस एरिया में आपके लाइकेन प्रेजेंट हैं, अगर वहां पर एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करता है तो ये प्लांट डिस्ट्रॉय होने लगेंगे और उनके डिस्ट्रॉय होने से आप को पता चल जाएगा या आप समझ जाना कि ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज द एयर पॉल्यूशन और ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। ये बातें आप बताओगे एंड इट इज मेनली SO2। और ये मेनली किसके कारण होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इस गैस का जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उस टाइम आपका ये आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होता है दैट इज रिलीज फ्रॉम चिमनीज, जो चिमनीज बर्न करते हैं, चिमनी से जो स्मोक निकलता है उस स्मोक में आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। और जैसे ही इनका कंसंट्रेशन आपके एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता है तो उसके इंक्रीज होने से आपके लाइकेन्स प्लांट जो होते हैं डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और इससे एयर पॉल्यूशन के बारे में पता चल जाता है। एक तरीके से कहें तो ये लाइकेन जो होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर का काम करते हैं। याद रखिएगा, एयर पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर के लिए अगर आ जाए आपके किसी एग्जाम में विच ऑफ द प्लांट इज इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन तो यू गिव आंसर लाइकेन्स। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें कन्फर्म होंगी। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। When sulfur dioxide react with water vapor which presents in atmosphere which present in atmosphere then sulfuric acid is formed और इसके बाद जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और उनके रिएक्शन से आपका एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और यह सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक एसिड रेन के फॉर्म में, एसिड रेन के साथ जो एसिड रेन होता है वो आपके अर्थ पर सॉइल में आता है, फॉलिंग डाउन इंटू दिस सॉइल, ये फॉलन डाउन होते हैं सॉइल में और उसके बाद दिस इंक्रीज द एसिडिक मीडियम एसिडिक कंसंट्रेशन इन सॉइल। और एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है ये सॉइल में इंक्रीज कर देते हैं, ये बातें आप बताओगे। और जब ये सॉइल में एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, अफेक्ट होने लगता है। सो ये बातें आप बताओगे तो ये क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बताओगे व्हेन एसिड रेन फॉलिंग डाउन इंटू दिस सॉइल देन इन सॉइल एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज
इंक्रीज एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकम डिक्रीज। और उसके कारण जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो आपका डिक्रीज होने लगता है। ये बातें भी आप बताओगे तो देखिए, मैंने अदर इफेक्ट में आपको बताया कि एयर पॉल्यूशन जो होता है वो कॉज करता है, कॉज द इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ, पौधों के ग्रोथ पर प्रभाव करता है या पौधे के ग्रोथ पे। आप बता सकते हो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, द इफेक्ट प्रभाव का कारक होता है इसके ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ जो होता है प्लांट के, उसके ग्रोथ को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, इफेक्ट जो करता है वो आपका कौन होता है, एयर पॉल्यूशन। ये बातें आप बताओ। इसके बाद बताओगे लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जो लीफ में से जो क्लोरोफिल लॉस होने लगता है उसके लिए एयर पॉल्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ मॉटलिंग ऑफ लीव्स मैंने आपको बताया, मॉटलिंग ऑफ लीव्स का मतलब भी कर्ल लीव्स होने लगते हैं, श्रिंक लीफ होने लगते हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है। इसके साथ लाइकिंग जो एक प्लांट है जो सेंसिटिव होता है एयर पॉल्यूशन के लिए, और उसमें कौन से एयर पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब एयर पॉल्यूशन कौन से गैस के लिए ये सेंसिटिव होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता है तो हमारे जो लाइकेंस प्लांट होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये बातें भी आप बताओगे। इसके साथ जब SO2 का कंसंट्रेशन या SO2 हमारे एटमॉस्फेरिक जो वाटर वेपर होता है उसके साथ रिएक्शन करता है तो आपका एसिड फॉर्म होता है, और ये एसिड रेड फॉर्म में सॉइल में आता है और सॉइल में एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है, जिससे प्लांट का ग्रोथ डिक्रीज हो जाता है या प्लांट की ग्रोथ पर अफेक्ट होता है। ये बातें आप बताओगे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद अदर जो इफेक्ट है, दो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जो मुझे आपको बताने हैं, एक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा है ओजोन लेयर डिप्लीशन। दो और भी इफेक्ट हैं आपके एयर पॉल्यूशन के, जो मैं नेम लिख दे रहा हूं उनका, दो इफेक्ट और भी हैं। एक आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये दो इफेक्ट और भी हैं जो आपके एयर पॉल्यूशन के थ्रू होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और सेकेंड होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके फ्यूचर के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल बताऊंगा। तो मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।